गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमने अपने किचन में यम्मी यम्मी टेस्टी सा डिलीशियस सा यानी बहुत ज़्यादा जल्दी सिर्फ 10 मिनट में बनने वाला वाइट कीमा मटर बनाया है। का बल्ब की थोड़ी कमी की वजह से ये दिख नहीं रहा, ये सिर्फ 10 मिनट में बनके रेडी हो गया है। और ये मेरा कीमा फ्रिज का था तो इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लगा। अगर आपका फ्रिज में नहीं रखा हो प्लीज बर्फ नहीं जमे हो तो वो और 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और जल्दी बन गया है। तो फिर चलिए बनाते हैं हनीफा के किचन में हनीफा के साथ वाइट कीमा मटर की रेसिपी, अगर आपको अच्छी लगे तो। तो फिर चलिए आज सिर्फ 15 मिनट से बल्कि 10 मिनट में हम कीमा बना के तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमने 1/2 kg कीमा लिया है। ये एक्चुअली सर्दियाँ चल रही हैं तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, तो ये कर्रा हो गया है। हम इसमें नमक डालेंगे, हमें ज़्यादा सामान बिल्कुल ऐड नहीं करना, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जैसे कम ज़्यादा। ये मेरी लाल मिर्च है, एक्चुअली मेरे पेट में निकल रही थी तो मैं ये ततैया मिर्च है मतलब बहुत तेज, तो मैं इसे थोड़ी कम क्वान्टिटी में डालूंगी, वरना तो मैं इसे हल्का सा क्रश कर लूंगी, हमें बारीक इसमें मिर्च नहीं डालेंगे। 1/2 kg में मैंने मिक्सर में इस टाइप से मिर्च अपनी मोटी मोटी कर ली है बिना पानी के। अब इसमें थोड़ा हम दरदरा सा से लहसुन भी इतना डालेंगे, इसमें इतना अदरक भी डालेंगे, तेल भी डालेंगे। तेल हमें अपने अकॉर्डिंग डालना है, तो मैं थोड़ा इसमें ज़्यादा सा ही तेल डालूंगी क्योंकि ज़्यादा तेल पसंद करते हैं आप। वैसे तो मैं इसे मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, मैंने बिल्कुल भी जैसे आप देखते हैं प्रीहीट नहीं किया, बस इतना ही मैंने इसमें। ये मेरी एक पली 100 ml की है, तो अपने अकॉर्डिंग एक अंदाज में बताती हूँ आपको। इसमें 2 प्याली मस्टर्ड ऑयल डालना है, इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी क्योंकि मैंने इसे बिल्कुल भी प्रीहीट नहीं किया। और ये देखिएगा मेरा मसाला भी इसके तैयार हो गया, जो हमने बिना जिंजर गार्लिक के पीता था मतलब वो बना पानी के, वो हम सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिएगा हमें इस टाइप से ही दरदरा मसाला चाहिए, और हमें बिल्कुल इसी टाइप से हमें दरदरा मसाला चाहिए, फ्रिज में रखने की वजह से कीमा थोड़ा एक दूसरे में जॉइंट हो गया। आप मटन का बीफ का किसी का भी कीमा इसी टाइप से बना सकती हैं। थोड़ा इसमें गार्लिक भी डालेंगे, ये देखिएगा, और थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे। गरम मसाला आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा क्वान्टिटी में डाल सकते हैं, बहरहाल मेरे हिसाब से ज़्यादा गर्म मसाला तो ज़्यादा पसंद नहीं करता, तो मुझे मजबूरन इसकी क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा कम करना पड़ती है, तो मैं इसमें थोड़ा सा जीरा भी रख करूँगी, तो मैं इसमें 1/2 चम्मच के करीब जीरा डाल देती हूँ। इसलिए मैंने स्लो कर दी, मैं भी और गर्म मसाला इसमें ला रही हूँ। गरम मसाला इसे भी हल्का सा क्रश करेंगे कढ़ल में, तो ये मैंने एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी जावित्री, इसे तो मैं बिना एसके सावर डाल दूंगी, ये जायफल, ये जावित्री, वो सिनेमन स्टिक, लौंग, और अगर आपको ज़्यादा गरम मसाला अच्छा लगता है तो आप इसमें और ऐड ऑन कर सकती हैं, मैं तो आपको दिखा दे रही हूँ कि मैं इतना ही डालूंगी। मैंने इसमें क्रश कर लिया है तो मैं इसमें डाल दूंगी, फ्लेम अपने फुल कर लिया हमने, और थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, इतना पानी डालेंगे कि हमारा गल जाए। तो सारा सामान हमने इसमें डाल दिया, बिल्कुल भी ज़्यादा सामान नहीं डाला, सिर्फ थोड़ा सा गरम मसाला, लहसुन अदरक और कड़वा तेल डाला है, बंदा मस्टर्ड ऑयल 1/2 ग्लास के करीब हमने इसमें पानी डाल दिया है, वही मिक्सर दो इतना सारा, और फिर इसके बाद हम इसमें 2 सीटी लगा लेंगे। मुझे 2 सीटी इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि इसमें बर्फ़ जम रहा है, तो बर्फ़ की वजह से मेरे ये कीमा गल नहीं पाएगा। ऐसे में सुबह का टाइम था तो मैंने जो फ्रिज में ही रख दिया, मुझे नहीं मालूम था कि फ्रीजर में इसमें बर्फ जम जाएगा। चलिए हम इसकी 2 विसल खोलने के बाद इसे देख लेंगे। अगर आपका कीमा फ्रिज का नहीं है तो आप कढ़ाई में पेन में किसी भी पका सकते हैं, और फिर आप इसे खोल के देखिएगा, जब ये कीमा गल जाए फिर हम इसे खुश्क कर लेंगे। 2 विसल आने के बाद हमने कीमा खोल लिया है, हमारा ज़्यादातर कीमा गल चुका है, इसलिए ये फ्रिज का था, तो इसमें हम थोड़े से मटर ऐड कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा वाइट कीमा मटर, ये देखिएगा।
आपका फ्रिज का नहीं हो तो आप इसमें जल्दी ही ये मेल्ट कर देना, एक भी चलाने के बाद तुरंत। इसमें ये फ्रिज की वजह से थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लग गया मेरा, तो मैं इसे एक वैसे ले लेंगे अपनी। इसमें ही हमारा कीमा गल जाएगा, हमारा मटर गल जाएगा। तो ये देखिएगा बिना टाइम बर्बाद करें हमने इसमें मटर डाल दिए और एक वैसे और ले लिए, तो ये भी बहुत जल्दी आ जाएगी और इसे हम निकाल के देखेंगे और हमारा कीमा रेडी। देखिए कई वैसे आ गई और हम इसे निकाल लेते हैं। हमारा कीमा भी इंशाल्लाह गल ही गया होगा, वो सॉरी हमारे मटर। तो मटर चेक कर लेती है अपने, अगर आपकी मटर हमारे मटर गल चुके हैं, अगर आपके नहीं गले तो आप एक जैसे और ले लेना। इसमें बहुत जल्दी फुल फ्लेम करके आ जाती है। अब इस टाइम आप थोड़ा सा इसे कस लीजिए, आपका कीमा बनके तैयार हो गया। सिर्फ 10 मिनट में 3 विसल में, एक हमने कीमे में, 2 हमने कीमे में ली और एक हमने मटर में ली। मुझे कीमे में 2 इसलिए लेने लगी मेरे पड़े क्योंकि मेरे फ्रिज का कीमा था। और ये देखिएगा हमारा टेस्टी कीमा तैयार हो गया। अब आप इसमें नमक मिर्च डाल लीजिएगा, अगर आपको मिर्च कम लगे तो आप इसमें हरी मिर्च और ऐड कर सकती हैं, लाल मिर्च, नमक भी ऐड कर सकती हैं। थोड़ी सी मेरी मिर्च और बची थी तो वो मैंने इसमें बीच में से कट करके इसमें डाल दी है। नमक मेरा सही है, थोड़ा सा तीखा कीमा होता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसमें अगर आपके पास धनिया हो तो आप डालिए, अगर नहीं हो तो आप नहीं डालिए, वो भी आप स्किप कर सकती हैं। मगर मेरे पास था धनिया तो मैंने थोड़ा सा इसमें धनिया डाल दिया है। और देखिएगा सिर्फ 10 मिनट में आपका टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी कीमा मटर तैयार है। तो ये देखिएगा कैसा लगा, अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सभी कर देना। तो चलिए हम इसे प्लेटिंग करते हैं। देखिएगा माशाल्लाह कितना टेस्टी लग रहा है, यम्मी डिलीशियस सा लग रहा है ना। तो फिर ये बताइएगा कैसा लगा खा के, अच्छा था लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब फिर करना। फिर मिलेंगे इतनी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।